कर्नाटका में अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी, लेकिन पुलिस इसे सड़क दुर्घटना मानकर चल रही है। आखिर मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोहरदगा में बढ़ता अपराध पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। अपराधी दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार देते हैं और पुलिस सिर्फ तहकीकात तक सीमित रह जाती है। एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक शख्स को गोली मार दी। बाइक सवार को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, घायल को रिम्स में किया रेफर। पुलिस मान रही है सड़क दुर्घटना। मामला लोहरदगा के सदर थाना इलाके का है, जहां किसको मोड़ शांति आश्रम के पास अज्ञात अपराधियों ने एक बाइक सवार को गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। युवक की पहचान केमो पत्रा टोली निवासी प्रकाश कुंजूर के रूप में हुई। डॉक्टरों के मुताबिक गोली हेलमेट को पार करते हुए बाहर निकली, हालांकि गोली लगने से युवक भी घायल हो गया। गंभीर हालत देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। इसमें जांच के बाद यह पता कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको कुछ फायर आर्म इंजुरी सस्पेक्टेड लगता है, क्योंकि सिर के पीछे वाला इंजुरी वह गोलाकार है और आकार में छोटा है। सामने जो का जो इंजुरी है वह भी गोलाकार है, लेकिन आकार में बड़ा है और गोल। जब डॉक्टर मान रहे हैं कि युवक को गोली मारी गई, बावजूद इसके पुलिस का मानना है कि ये मामला सड़क दुर्घटना का। एक्सीडेंट होने की हम लोग सूचना मिली हुई थी, तो वहीं पर लोकल स्थानीय पब्लिक लोग इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है। अभी हम लोग इसकी स्थिति और गंभीरता को देखते हुए रिम्स रेफर कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अज्ञात अपराधी फरार है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में आखिर क्या सामने आता है।